हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर इन बीएस पॉलिटिकल साइंस सिक्स सेमेस्टर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर व्हिच इज़ अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द पार्टी सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट अबाउट टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। So, first of all, we start with the definition of political parties. First, it is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. A political party tries to convince people that its policies are better than other policies. They try to win elections so that they can implement their policies. So political parties, it is a group of people who come together for a common goal of the betterment of the people. The major issue is that they are working for a collective good. वो इज्तमाई फायदे की बात कर रहे हैं, लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं, इकट्ठे होते हैं, एक ऐसा ग्रुप है जो अपने सियासी मकासद के लिए इकट्ठा हो जाता है और अपने गोल्स को, अपनी पॉलिसीज को दूसरों से बेहतर बताते हैं। दे ट्राई टू कन्विंस द पीपल, लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि द पॉलिसीज विच दे आर प्रेजेंटिंग इज बेटर देन द रेस्ट ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। यानी जो पॉलिसीज और जो प्रोग्राम हम ला रहे हैं वो दूसरी जितनी भी पार्टीज हैं जो उनसे लाए हैं वो उनसे कहीं बेहतर है। आपने देखा होगा हर इलेक्शन से पहले हर पार्टी अपना मंशूर, मैनिफेस्टो पेश करती है और मैनिफेस्टो में वो इसके जरिए ये रियलाइज कराते हैं कि द पॉलिसीज दे आर गिवन, द प्रोग्राम्स दे आर प्रेजेंटिंग आर बेटर देन द रेस्ट ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। सो दिस इज अ मैटर ऑफ इंश्योरिंग द पीपल, द पॉलिटिकल पार्टी मस्ट हैव टू डू दिस। उसने लोगों को ये यकीन दिलाना है कि जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारे इंटेंशंस हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, ये सिस्टम में मौजूद दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से कहीं बेहतर हैं और इसी के जरिए वो इकतदार हासिल करने की कोशिश करते हैं, इकतदार हासिल करते हैं और फिर अपनी इन पॉलिसीज पे जो उन्होंने मंशूर में, मैनिफेस्टो में पेश की होती हैं उनके जरिए वो लोगों के जहनों में अपना एक मकाम बनाने की कोशिश करते हैं। सो द पोलिटिकल पार्टीज we again thoroughly study the people, the group of people who tries to get to contest elections and to get majority in elections, and then they try to get power and the rest of the other elements of power, and then they try to govern the government, and in that process they also try to for the betterment of a common man. Thus, parties reflect fundamental political division in society. Parties are about a part of society and thus involve partisanship. Thus, a party is known by which part it stands for, which policies it supports, and whose interest it upholds. ताहम इसमें अमूमन ये होता है कि कुछ माशरे में कुछ पार्टियां अपनी सोच की वजह से, अपने एक ख़ास नुक्ते नज़र की वजह से माशरे में तकसीम कर देती हैं और माशरे में एक दो या तीन डिफरेंट किस्म के नुक्ता नज़र जो है वो परवान चढ़ते हैं। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड दस दे इन्वॉल्व पार्टिसनशिप। पार्टिसनशिप इज अ टाइप ऑफ थिंग दैट द पीपल आर्म यू हैव ऑब्वियसली सीन देर आर सम टाइप ऑफ पोलिटिकल वर्कर्स हु आर वेरी आउटस्पोकन एंड दे आर वेरी much involved in politics and they somehow they are we can say that their interest with the parties or their affiliation with the party is so strong that they become harsh at some time. वो अपनी पार्टी से इस कदर मुखलिस और इस कदर लॉयल हो जाते हैं कि वो किसी वक्त कुछ ऐसा हार्श वर्ड्स या वो इस कदर तल्ख हो जाते हैं जिससे माशरे में तलखी का माहौल पैदा हो जाता है, झगड़े का माहौल पैदा हो जाता है। बहरहाल ये पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से अमूमन ऐसा होता है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में आप देखेंगे कि कुछ पॉलिटिकल सियासी नज़रियात जो हैं वो इस कदर पुख्ता हो गए हैं और वो उनमें क्योंकि आम तौर पर कोई लचक नहीं रहती और वो दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते। ठीक है। दस अ पार्टी इज नोन बाई विच
पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, तो हम पार्टियों को उसके अपने अमूमी अंदाज से, जो उसके पॉलिसीज हैं और सपोर्टर हैं उनके अंदाज से, और जो उनके इंटरेस्ट हैं उनसे, जो उनके सामने होते हैं उससे पहचानते हैं। ये सबसे आम तौर पे हमारे यहाँ खास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड या इंडिया पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है उसमें आपको पार्टीशनशिप ज़्यादा नज़र आएगी। उसकी वजह ये है कि लोग ये समझते हैं कि जिस पार्टी को हम फेवर कर रहे हैं ये दी बेस्ट पार्टी है और इसमें कोई खामियां नहीं है। हालांकि आम तौर पर जहाँ लोगों के एक डेवलप्ड पॉलिटिकल सेटअप्स हैं वहाँ पर लोग अमूमन अपनी नुक्ता नज़र उनके तब्दील, लेकिन रिजिडिटीज यहाँ पर पॉलिटिकल रिजिडिटी ज़्यादा हो जाती है, लोगों के रवैये ज़्यादा तल्ख होते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का जहाँ ये पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की बेहतरी के लिए काम करती हैं वहाँ पर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से माशरे में लोगों के दरमियान ख्यालात का तसादम भी पैदा हो जाता है और पार्ट सिस्टम डिवीजन की तरफ चला जाता है। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, वी डिस्कस अबाउट द थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के अज्जा क्या होने चाहिए उन पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तीन इम्पोर्टेंट इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन, द लीडर्स, लीडर होने चाहिए, द एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए, एंड द फॉलोअर्स, और उसके फिर उनके पे उनके जो है वर्कर्स या फॉलोअर्स हमें आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं। लीडर क्योंकि लीड कर रहा होता है, लीडर की खसूसियात, लीडरशिप जब में जब हम स्टडी करते हैं तो लीडर एक ऐसा आदमी होता है जिस पर लोग मनोन एतबार करते हैं और वो इसको अपना रहबर मान लेते हैं और कहते हैं कि जो ये पॉलिसीज देगा दे ऑल द पॉलिसीज विल बी इन द फेवर ऑफ द कॉमन मैन एंड ही विल ट्राई टू मेक सच पॉलिसीज दैट विल बी फेवरेबल फॉर अ कॉमन मैन। द एक्टिव मेंबर्स, दीज आर द वर्कर्स हु आर वेरी एक्टिव। इट कैन बी डिफाइंड एज द एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। लीडर्स के बाद ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इनको आप किसी पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट कह सकते हैं। ये लोगों के दरमियान अमूमन आमतौर पर ज़्यादा लोगों में मौजूद रहते हैं, लोगों के मसाइल से, लोगों के ख्याल से आगाही रखते हैं और फिर जो कॉमन मैन के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे ये काम बढ़ाते हैं, ये काम चलता है, फिर जब ये लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इनके फॉलोअर, इनकी पैरवी करने वाले भी लोग बढ़ जाते हैं और फिर वो फॉलोअर आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव मेंबर्स बनते हैं और इसी तरह वाइस वर्सा, फिर इन्हीं एक्टिव मेंबर में से यही इसी पार्टी से फिर लीडर भी पैदा हो जाते हैं। तो ये एक हायरार्की है कि इसमें पहले लीडर्स होंगे, फिर एक्टिव मेंबर्स होंगे और फॉलोअर्स होंगे फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, फिर ये फॉलोअर्स एक्टिव मेंबर्स में तब्दील हो जाते हैं और इसी तरह एक्टिव मेंबर में से कोई लीडर सामने आता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए कंपोनेंट्स हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ज़रूरी हैं और इन्हीं के बदौलत पॉलिटिकल पार्टी आगे चलती है। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो इलेक्शंस इसके लिए ज़रूरी हैं। जब इलेक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ज़िंदा रहने के लिए है, इलेक्शन बड़े ज़रूरी हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बड़ा ज़रूरी है। फिर इलेक्शंस होंगे तो ये पार्टीज अपनी अपनी डिक्लेरेशन करती हैं, अपनी अपनी अफादियत बताएंगी। नंबर सेकंड, डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज, ये फिर डिक्लेयर करती हैं अपनी पॉलिसीज, अनाउंस करती हैं कि हमारे हम क्या प्रोग्राम्स, क्या प्लान्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ कॉमन मैन लाने की कोशिश करेंगे, क्या क्या हमारे पास लाया अमल है, क्या हमारे पास तरीक़ाकार है। फिर ये अपनी पॉलिसीज़ को डिक्लेयर करते हैं, लोगों को अपना मैनोफेस्टो बताते हैं, अपना मंशूर पेश करते हैं। नंबर थर्ड, मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे ट्राई टू मोल्ड द ओपिनियन, दे ट्राई टू अट्रैक्ट द पीपल टू देयर ओन मैनिफेस्टो। वो ये बताने की कोशिश करते हैं, लोगों के जहनों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं कि जो पहली पॉलिसीज़ या इससे पहले जो चल रही थी पॉलिसीज़ वो कोई ख़ास कामयाब नहीं है, लिहाजा अब हम जो नया प्लान लेकर आने वाले हैं या लेने लेकर आ रहे हैं ये ज़्यादा लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा, ज़्यादा यूज़फुल होगा, फ़ायदेमंद होगा। लिहाजा वो दे ट्राई टू पब्लिक ओपिनियन को मोड़ने के लिए आप जाहिर है उसके पास बहुत से ज़राए होते हैं, वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करता है इस मकसद के लिए, प्रोसेशन करता है और इसमें जो एक्टिव लीडरशिप है और जो एक्टिव जो मेंबर्स हैं वो बड़ा
रोल प्ले करते हैं, तो इसके बहुत से दूसरे हथियार हैं जिनके जरिए ये इस मामले को चलाते हैं, बनाते हैं। टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तरतीब देते हैं और फिर इस गवर्नमेंट को चलाते भी हैं। तो जाहिर है इलेक्शन के रिजल्ट में गवर्नमेंट्स बनती हैं, फिर उसको गवर्नमेंट बनाई जाती हैं और फिर उनको चलाया जाता है। गवर्नमेंट बनाना और चलाना दो डिफरेंट सेटअप हैं, दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर है द रोल ऑफ अपोजिशन, इसमें जाहिर है जब गवर्नमेंट बनती है तो अपोजिशन का रोल बड़ा अहम होता है। अपोजिशन अमूमन अपोजिशन बेंचों पर जब बैठती है तो उसका काम यही होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डायरेक्ट करें। हाउ दे डायरेक्ट, दे ऑब्वियसली ट्राई टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड दे ट्राई टू रीडायरेक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट। वो लोगों के गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज को देखते हैं, अगर कोई पॉलिसी उन्हें सही नज़र नहीं आती और कोई ऐसा प्रोग्राम जो लोगों के फेवर में नहीं जाता या फेवर में जाने ज़्यादा फेवर में जाएंगे बजाय नुकसान में ज़्यादा जाए, तो अमूमन जो अपोजिशन है उसका ये रोल होता है कि दे हैव टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड वाइल क्रिटिसाइजिंग दे हैव टू रीडायरेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी उन पर एतराज़ करते हुए। फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो अपोजिशन है वो एतराज़ बरए एतराज़ का मामला लिए रखती है और वो हुकूमत की किसी भी पॉलिसी से खुश नहीं होती। आम तौर पर आप देख लें, खार थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी है उसका सबसे बड़ा ये रोल यही है कि जो अपोजिशन का रोल है वो हमेशा एक ऐसी अपोजिशन होती है जो हर वक्त सिर्फ प्रोसेशन, जलसे जुलूस और गवर्नमेंट, रेजिडेंशियल गवर्नमेंट को डिसकम्फर्ट के लिए यूज़ की जाती है और उसकी सारी कोशिश इसी बात पर होती है कि किसी तरह गवर्नमेंट की स्टेबल पोजीशन को कमज़ोर किया जाए, उनके पॉजिटिव डिसीजंस को भी नेगेटिव मीन्स में प्रोक्लेम किया जाए और ऐसा दिखाया जाए कि ये उनके फेवर में नहीं है। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका काम ये भी जाहिर है, ये भी जब असेंबली में बैठती हैं तो ये लॉ मेकिंग करती हैं। जाहिर है लेजिस्लेचर का काम ही आपने पढ़ा होगा कि लेजिस्लेचर इज द प्योर एंड ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू फ्रेम द लॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ कॉमन मैन। ये लॉज बनाते हैं, नए डिसाइसिव लॉ बनाते हैं, इसमें ये बड़ा अच्छा किरदार अदा करते हैं और तमाम लोगों की बेटरमेंट के लिए असम्बली में बैठ के कानून साजी करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ हालात को लेके जाने की कोशिश करते हैं। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, ये गवर्नमेंट मशीनरी को, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और वेलफेयर स्कीम को एक मैन पावर फ्राहम करते हैं, लोगों को उनकी तमाम पॉलिसीज तक कॉमन मैन को उनकी एक्सेस देते हैं कि वो गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीमों की तमाम जितने भी मामलात हैं उनको स्टडी कर सके, ताकि हर आदमी को ये पता हो कि जो गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज काम करने जा रही हैं, इनका आउटकम क्या है, आया जितने भी ये स्कीम्स हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट के ये वो फेवर में हैं या नहीं है, वेलफेयर स्कीम्स राइट डायरेक्शन में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, उनका जो बजटरी सिस्टम है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, वो तमाम का तमाम सही चल रहा है या नहीं। तो पार्टीज लोगों को एक्सेस देती हैं, लोगों को बताती हैं कि जो भी रनिंग सिस्टम है, रनिंग मैटर्स हैं, वो आया सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना यही जा रहे। तो ये तमाम फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को करने होते हैं। फिर नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत है क्या? इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन will be independent, so no one will be able to make any promise to people about the major policy issue. Political parties ज़ाहिर है बड़ी ज़रूरी हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि बगैर political parties के हर आदमी आज़ाद election हालत में आम तौर पर लड़ता है और वो आज़ाद होता है और वो कोई भी वादा करने की position में नहीं होता और किसी भी policy change की सूरत में कोई उसको ज़ाहिर है कोई उस तक एक्सेस नहीं कर सकता, उस तक शिकायत भी नहीं कर सकता। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट लाइफ विल रिमेन इवन अनसर्टन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज नॉट फॉर द कंट्री। गवर्नमेंट तो शायद बन जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट बन तो जाती है लेकिन ये बड़े अनसर्टन रहती है। अमूमन ये होता है कि जब इस किस्म की गवर्नमेंट बन जाती है तो उसकी लाइफ का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो चाहिए रहेगी नहीं, यानी
इलेक्टेड मेंबर आमतौर पर अकाउंटेबल होते हैं अपनी जो कंस्टिट्यूएंसीज जहाँ से वो मुंतखब होते हैं, वो उन लोगों को जवाब देते हैं ना कि मुल्क को। अब जाहिर है जब वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में जवाब दे होगा तो वो किसी न किसी पार्टी को अगर वो रिप्रेजेंट करेगा तो जब वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाएगा तो वो लोगों के मसाइल को अगर हल नहीं कर पाएगा तो उनको जवाब दे होगा, और अगर वो नहीं हल कर पाएगा तो नेक्स्ट टाइम वो सिस्टम से वाइप आउट हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर होगी तो वो जाहिर है अगर जिस पार्टी को भी रिप्रेजेंट करेगा तो पार्टी अपने ऑनर के लिए, अपने प्रिविलेज के लिए, अपनी अथॉरिटी को गेन करने के लिए मुंतखब नुमाइंदों से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से यही कहेगी कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों के मसाइल हल करें ताकि हमें ग्राउंड लेवल से सपोर्ट हासिल हो। ग्राउंड रियलिटी यही है कि जब आप किसी के काम करेंगे, किसी इलाके में जाके बेहतरी करेंगे, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आ रहे हैं उसके लिए आपने मेहनत की है, तो यकीनन वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशू एंड प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। इसके लिए ये भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, कोई ऐसी एक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए लोगों के व्यूज़ को इकट्ठा करे, लोगों के डिफरेंट ख्यालात को, डिफरेंट मामलात के मुतालिक जो भी मुख्तलिफ इशूज़ पर जो लोग ख्यालात रखते हैं वो इनको इकट्ठा करे और लोगों तक ख़ास तौर पर गवर्नमेंट तक, लोगों के ख्यालात को गवर्नमेंट तक पहुँचाए। यानी जो लोग चाह रहे हैं कि लोग किस तरफ मामलात को, अगर खारजा मुल्क की खारजा पॉलिसी है, मुल्क में और बदमनी का मामला है, महंगाई का मामला है, दूसरी तमाम चीज़ें जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेमोक्रेसीज में हैं जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई एक ऐसी एजेंसी या इदारा होना चाहिए जो लोगों मुख्तलिफ मामलात पर लोगों के व्यूज़ को गैदर करे और लोगों तक पहुँचाए, हुकाम बाला तक पहुँचाए ताकि वो लोगों के व्यूज़ पर नज़र रखते हुए लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करें। होल ऑब्जेक्ट इज़ of a political party is the betterment of a common man. How many parties we should have? There are different types of country, there are different type of political parties. Number one, the three important party system. Number one, a single party system. Number second, bi-party system. Number three, multi-party system. Coalition of a party and ideal party. Single party system. Single party system, we can say in the China carries the system. वहाँ पर सिर्फ एक ही political party है, Chinese National Congress, उसी के ज़रिए लोग आते हैं और उसी अपनी पार्टी में रहते हुए struggle करते हैं, वहाँ दूसरी पार्टी बनाना भी बैन है, और इसी तरह वो इसी पार्टी के ज़रिए अपनी जो एफर्ट करता है वो उससे ज़्यादा मेहनत करके सामने आता है जो लीडर एफर्ट करता है, और इसी तरह उनके एक हायरार्की सिस्टम है। फिर बाई पार्टी सिस्टम है, बाई पार्टी सिस्टम में अमूमन दो पार्टीज़ होती हैं मेजर, अमेरिका और यूके एंड यूएस इसकी बेटर एग्जांपल है, अमेरिका और इंग्लैंड, वहाँ पर अमूमन दो पार्टियाँ होती हैं और वो उसी में सेटअप में हिस्सा लेती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट उसमें बन जाती है। फिर मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलाकाई पार्टियाँ भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, दूसरी सियासी मजहबी सियासी जमातें भी हैं, इलाकाई सियासी जमातें भी हैं, तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ज़्यादा पार्टियों की वजह से जो एजिटेशन लेवल है वो थोड़ा सा, फिर कोलिशन ऑफ पार्टी, कोई दो पार्टियाँ मिल के कोलिशन आमतौर पर कोलिशन ऑफ अ पार्टी, पार्टियों का जो दो पार्टियों का जो इंजमाम है वो कोलिशन, एक फिर वो कोलिशन ऑफ अ पार्टी है, फिर आइडियल पार्टी है। आइडियल पार्टी अमूमन हर ख़ास तौर पे मौजूद होती है पॉलिटिकल सिस्टम में, जैसे अगर हमारे यहाँ हम आइडियल पार्टी को जिक्र करें तो तहरीक इस्तकलाल का हम ख़ास तौर पे जिक्र करें तो एक आइडियल पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन आम तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आइडियल पार्टी को कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती क्योंकि वो अपने असूलों पर नहीं खेलती, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ये प्रॉब्लम है कि इनकी पॉलिसीज जो हैं और इनके रूल्स फ्रेजाइल होते हैं, हालात के मुताबिक अपने आप को सिस्टम को, रूल्स को भी तब्दील करते हैं, असूलों पर समझौता हो जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। हाउ मेनी पार्टीज वी ठीक है, अच्छा बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम में जो एजिटेशन लेवल है वो मल्टी पार्टी सिस्टम में हमेशा ही जो हमारे पहले दूसरा और तीसरा है बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें अमूमन क्या होता है कि बाई पार्टी सिस्टम में लोगों के पास अमूमन दो ही पार्टी होती हैं और वो उन्हीं में किसी एक को चूज कर रहे होते हैं और वो दोनों पार्टियां मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश कर रही होती हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बहुत सी
और बाई पार्टी सिस्टम की गवर्नमेंट्स अमूमन मजबूत होती हैं, और वहाँ पर ये जो हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी ऑफ ए गवर्नमेंट है वो नहीं होती। अच्छा, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम में एक तो गवर्नमेंट्स थोड़ा वीक होती हैं, क्योंकि इसमें कुलेशन ज़्यादा होता है, लोग अकेली कोई पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, जिसकी वजह से कुलेशन को देखना होता है, और लोगों कुलेशन की डिमांड भी ज़्यादा होती है, और फिर उनके प्रेशर को लेना पड़ता है। इसी तरह लोगों के ख्यालात को, लोगों के आम तौर पर गवर्नमेंट में हिस्सा, जिसको हम किसी तरह से कह रहे हैं कि हर पार्टी अपनी मखसूस सीट्स की या अपनी मखसूस मिनिस्ट्रीज की डिमांड कर रही होती है, किंग मेक पार्टीज, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, इसमें बड़ा इन्वॉल्व होता है, और इसलिए किसी हद तक मल्टी पार्टी सिस्टम में एजिटेशन लेवल जो है और डिस्कम्फर्ट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, पाकिस्तान में जो आम तौर पर जिक्र कर लें, पाकिस्तान का पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान, कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पाकिस्तान में अमूमन आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में आप कह लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, उसकी बहुत सी शाखें भी हैं, और फिर उसके बाद पीटीआई है इस वक्त, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में फिर बहुत सी पार्टीज हैं, और वो उनको किसी हद तक, वो कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जो आज तक एक भी सीट नहीं जीत सकें, कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो दो तीन सीट जीत के अपनी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को शो करने की कोशिश करती हैं, और फिर यही यहाँ पर किंग मेकर पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक सेटअप है हमारे यहाँ। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को आखिर में डिस्कस कर लेते हैं। आम तौर पर जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल पर, एक लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जमातों के दरमियान अपने अंदर जमहूरियतें का सिस्टम जो है वो कम है, जमातों में अपने पॉलिटिकल पार्टीज में अपने अंदर भी किसी हद तक डिक्टेटरशिप पाया जाता है। डायनास्टिक सक्सेशन, अमूमन आपने देखा होगा कि एक फर्द, एक खानदान की अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज पर हम देख सकते हैं, अगर पाकिस्तान को स्टडी करें खास तौर पे, तो हमें मखसूस खानदान की बादशाहत नजर आती है। पहले वो पार्टी हेड है, फिर उसका बेटा अमूमन आ जाता है, या उसकी फिर बेटी उसका जगह ले लेती है। इसी तरह हमारे यहाँ डायनास्टिक सक्सेशन जरूरी है, मोरूसी सियासत का बड़ा अमल दखल है, मनी एंड मसल पाल हमारे यहाँ सियासत में, फिर अमूमन जो चीज़ ज़रूरत होती है, एक तो रकम की बड़ी ज़्यादा, और फिर जाहिर है मैन पावर या मसल पावर भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मनी इसलिए कि इफ़ यू आर हैव नॉट मोर देन बिलियंस ऑफ रुपीज, यू कैन नॉट कंटेस्ट इन इलेक्शन, स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू कंटेस्ट, सो द पॉलिटिक्स इज कमर्शियल इन आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, एंड सो द पॉलिटिक हैव टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स टू कम एट सम स्टेज एट अपर लेवल, इट इज नॉट एन ईजी जॉब टू डू, ऑलवेज इट इज अ वाइल्ड गूस चेज, सो वी कैन से दैट द मनी हैव एंड द मसल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पेशली द चैलेंजेस फॉर द पोलिटिकल पार्टीज। लेक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस फॉर द वोटर्स, वोटर्स के पास जो बामानी चॉइस है, जो उनके पास चुनाव का अख्तियार है, उसकी बड़ी कमी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है लोगों की जो वोट देना ही नहीं चाहती, और वो ये चाहती है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, और वो ये कह समझती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, और चैलेंजेस को सही तौर पर नहीं ले रही। तो हमारे यहाँ ये तमाम के तमाम जो चैलेंजेस हैं और प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज में पाए जाते हैं। सो हेयर फ्रॉम वी कंक्लूड दिस लेक्चर, तो यू कैन से दैट वी आर फेसिंग व्हाइल लिविंग इन पाकिस्तान, वी आर फेसिंग ऑल दिस चैलेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टीज, एंड फॉर अ वेरी ड्यूरेबल डेमोक्रेसी वी नीड सच पॉलिसीज, सच अ पोलिटिकल पार्टी हु एक्ट इन आइडियल पोलिटिकल सिस्टम एंड ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ होल ऑफ द सिस्टम एंड डिलीवर इन अ बेटर टर्म्स, एंड द पीपल अट्रैक्ट टू देम, एंड द पोलिटिकल एटमोसफियर बिकम वेरी मीनिंगफुल एंड यूजफुल। थैंक यू वेरी मच।